वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर कि हम हाउ टू अटेम्प्ट फुल सीएचएसएल पेपर ऑन दी एग्जाम डे। मतलब एग्जाम डे जो है उसके उस पे जाके, एग्जाम हॉल में जाके आपको जो सवाल करने हैं, आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे कि आपका मैक्सिमम स्कोर आए और आपका एग्जाम अच्छा हो। कैसे पूरा पेपर हमें अटेम्प्ट करके आना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं बोल दूं, ये तरीका मैंने अपनाया है और मैंने इसी तरीके से CHSL में स्कोर किया है। आप देख सकते हैं CHSL 2020 में मेरा स्कोर था 182.5। ऐसे ही मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत काम कर चुका है। तो ये ऐसा भी हो सकता है आपके लिए स्ट्रेटेजी ना भी काम ना भी करे, तो आप मेरा स्ट्रेटेजी सुन लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है या नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ कुछ स्ट्रेटेजी, मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको ये करना है या नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 100 क्वेश्चन आते हैं CHSL पेपर में, 100 क्वेश्चन आते हैं। वन आवर में आपको पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो टाइम बहुत ही कम है। तो 25 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, उसके बाद 25 आता है GK, 25 आता है इंग्लिश और 25 आता है मैथ्स। टोटल 25 करके चार सेक्शन में 100 क्वेश्चंस आता है। और एक बात, एग्जाम देखिए आप जब जाएंगे देने, तो कभी भी कट ऑफ के बारे में मत सोचना और कभी भी घर से डिसाइड करके मत जाना कि मुझे 150 करना है, 130 करना है, 170 करना है, 180 करना है। कभी भी कोई भी टारगेट लेके CHSL और SSC का कोई भी एग्जाम देने मत जाओ। यह है पहला रूल, कोई भी टारगेट सेट करके एग्जाम देने मत जाओ, क्योंकि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आया तो 130 में क्या बोल के आप, हो सकता है कि 120, 130 या 110 में आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर ऐसा भी हो, अगर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, तो आपका 170 में भी आपका सिलेक्शन रुक जा सकता है, 160 में भी रुक जा सकता है सिलेक्शन। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन में कम स्कोर भी अच्छा हो सकता है और इजी क्वेश्चन में ज्यादा स्कोर भी कम पड़ सकता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी टारगेट लेके मत चलना। एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आएगा उसमें से ही आपको अपना 100% कैपेसिटी में अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा। हर एक का कैपेसिटी सेम नहीं होता, हम जानते हैं। तो अपने कैपेसिटी में रहते हुए उसका मोस्ट यूटिलाइज करके, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करके आपको मैक्सिमम स्कोर करके आना है अपने कैपेसिटी के अंदर रह के, ठीक है। आपका जितना कैपेसिटी है उतना ही आप कर सकेंगे और उससे कम आप नहीं कर पाएंगे, उसके ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे और वही आपको मैक्सिमम स्कोर दिला सकता है। तो ठीक है, तो पहले आते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि कोई भी आप टारगेट लेके मत जाइए। कहाँ गया पेन? ठीक है, तो रीजनिंग मैंने पहले रीजनिंग करता हूँ, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट्स, फर्स्ट टेन मिनट्स में 15 प्लस क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन 15 प्लस, इजी क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 15 प्लस इजी क्वेश्चन इन फर्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है। पहले जो 2019 तक SSC में रीजनिंग बहुत ही आसान आता था, लेकिन 2020 से जो पेपर्स हुए हैं CGL, CHSL, MTS जो भी हो, उसका रीजनिंग में लेवल बढ़ चुका है, ओवरऑल पेपर का ही लेवल बढ़ चुका है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि कट ऑफ भी गिर गया है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर गया है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो रीजनिंग उतना आसान नहीं आता, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन के अंदर मैं कर लेता हूँ 10 मिनट्स में ढूंढ के 15 इजी क्वेश्चन करता हूँ। 15 सबसे इजी जो क्वेश्चन होता है वो मैं फर्स्ट 10 मिनट्स में करता हूँ, 15 प्लस। ये 14 भी हो सकता है, 16, 17 भी हो सकता है, पेपर का डिफिकल्टी जैसा आएगा आप वैसा अटेम्प्ट करेंगे। तो 10 मिनट्स में, फर्स्ट 10 मिनट्स में कोशिश करना कि 15 प्लस इजीएस्ट क्वेश्चन आप कर लेना। इजीएस्ट क्वेश्चन कौन वाला होता है, जो देखेंगे मिरर इमेज वाला होता है, मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज कैसा होगा। उसके बाद होता है सिलोजिज्म जो आता है, एवरी पेन इज ए बॉल जो वाला आता है, वो ऐसे ऐसे बनाते हैं जो सिलोजिज्म बोलते हैं, तो वो वाला आता है। और उसके बाद ब्लड रिलेशन वाला आता है, सीरीज आता है, नंबर सीरीज आता है, और जो भी बहुत सारा आता है जो रिलेशन वाला, जैसे
इस टू दे के यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दिया हुआ था है, तो यहाँ पे और एक दिया हुआ था है, और यहाँ पे इनमें से कौन सा वाला सेम है, ऐसा जो क्वेश्चन रहता है आप देखे होंगे जब मॉक देते हैं। तो रीजनिंग में बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी रहता है। तो ऐसे ही 25 क्वेश्चन में से 15+ आपको इजिएस्ट क्वेश्चन चूज करके ढूंढ ढूंढ के फर्स्ट 10 मिनट्स में कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या किए, 15+ इजिएस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट, उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स। तो रीजनिंग में जो किए, रीजनिंग में क्या हुआ, हमारा दिमाग थोड़ा काम किया, ठीक है। अब ब्रेन को रिलैक्स देंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे ब्रेन को, इसीलिए हम क्या करेंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाया है, ब्रेन लगा है, तो यहाँ पे रिलैक्स कर लेंगे। कैसे, जीके और करंट अफेयर्स। जीके और करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन रहता है, अगर आपको आता है तभी आप उसको कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो उसको सीधा छोड़ दो, क्योंकि जब गेस वर्क नहीं चलता, गेस करेंगे तो आपका नेगेटिव ही जाएगा, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है जीके और करंट अफेयर्स में। तो 25 क्वेश्चन में आई होप कि आप 13, अगर आप प्रिपरेशन ठीक ठाक किए हैं, ठीक है, तो 13+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 13+ क्वेश्चन आपको आता होगा, ऐसे मिनिमम हम ये सोच के चल रहे हैं। तो 13+ यहाँ पे आप कर ली, ठीक है। अब आप अगर आपको उससे ज्यादा आता है तो अच्छा बात है। तो 13+ यहाँ पे कर ली कितना, 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में पूरा जीके पेपर आप कर लिए, पूरा जीके का 25 क्वेश्चन देख लिए, और आई होप कि आप 13+ यहाँ पे कर लिए, ठीक है, 5 मिनट्स में ओनली। तो बचा कितना, यहाँ पे 10 मिनट्स गया, फर्स्ट 10 मिनट्स गया, उसके बाद 5 मिनट्स गया, 15 मिनट्स पास हो गया, तो 45 मिनट्स लेफ्ट, 45 मिनट्स लेफ्ट, 45 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है। तो ब्रेन रिलैक्स भी हो गया, कैलकुलेशन नहीं था जीके और करंट अफेयर्स में। अगर अभी आते हैं मैथ्स पे, ठीक है, मैथ में 25 क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, मैथ में 25 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में 18+, 18+ क्वेश्चन करेंगे, 20 मिनट्स में 18+ इजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन जो होगा वो सब ढूंढ ढूंढ के 18+ इजी क्वेश्चन करेंगे। तो आपको मन में आता होगा कि इजी क्वेश्चन हम ढूंढे कैसे, तो ये इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको बहुत ज्यादा मॉक देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तब एग्जाम हॉल में जाके आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे ये आपको आता है या नहीं आता, ये टाइम लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा या नहीं लेगा, या फंसाने वाला सम है या नहीं है, तो आपको ऐसे मालूम चलेगा, क्योंकि आप बहुत ही प्रैक्टिस करके आए हैं। अगर प्रैक्टिस से पता चलेगा इजी है या डिफिकल्ट, टाइम टेकिंग है या जल्दी हो जाएगा, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो 20 मिनट्स में आपको 18+ इजी क्वेश्चन ढूंढ के 20 मिनट्स में 18+ आपको मैथ कर देना है, ठीक है। अगर पेपर इजी आ गया, ये 18+ 20, 22+ भी हो सकता है, अगर पेपर इजी आ गया तो आप यहाँ पे 18+ की जगह 20+ भी कर सकते हैं, अगर डिफिकल्ट आ गया तो 16+ भी हो सकता है, तो इधर उधर थोड़ा हो सकता है पेपर के डिफिकल्टी के ऊपर, लेवल के ऊपर। तो आई होप 20 मिनट्स में 18+ इजी क्वेश्चन ढूंढ के आप कर लिए, ठीक है। तो और ये और बड़ा बात ये है कि आप 25 क्वेश्चन आप देख लिए हैं, 25 क्वेश्चन आप आंखों से देख लिए हैं और पढ़ भी लिए हैं, बट 20 मिनट्स में आप 18+ क्वेश्चन कर भी लिए, ठीक है, 18+ इजी क्वेश्चन करके आप निकल गए यहाँ से 20 मिनट्स। यहाँ पे 45 मिनट्स लेफ्ट था, 20 मिनट्स चला गया, अभी है 25 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, 25 मिनट्स लेफ्ट, अभी आपके पास 25 मिनट्स लेफ्ट। नेक्स्ट इंग्लिश, तो यहाँ पे भी ब्रेन ब्रेन बहुत काम किया, कैलकुलेशन बहुत किया। अब इंग्लिश में फिर से ब्रेन को रिलैक्स करेंगे, ठीक है, ब्रेन को रिलैक्स करेंगे। इंग्लिश में 25, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहता है, और इंग्लिश SSC में आसानी आता है, ठीक है, इंग्लिश SSC का आसानी आता है, और 25 क्वेश्चन में ज्यादातर लोग 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते आते हैं, ठीक है, उसमें गलती भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन 25 क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि इंग्लिश आसान आता है, इजी आता है। तो यहाँ पे आई होप कि आप 22+, यहाँ पे आपको 12 मिनट्स में, 12 मिनट्स में इंग्लिश आसानी आता है, आई होप इसीलिए आप 22+ तो जरूर करेंगे, ठीक है, 22+ जरूर करके आएंगे और कर भी लेंगे, उतना उतना डिफिकल्ट ये नहीं रहता। तो 12 मिनट्स में आपको 22+ इंग्लिश सॉल्व करना है, ठीक है, 12 मिनट्स में, 25 मिनट्स लेफ्ट था, 12 मिनट गया, तो कितना बाकी रहता है, 13 मिनट्स लेफ्ट, 13 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, ये है आपका स्लॉग ओवर, ठीक है, स्लॉग ओवर मतलब लास्ट में एकदम 13 मिनट्स लेफ्ट, इसका इस 13 मिनट्स में आपको जान लगा देना है, ट्राई हार्ड, बहुत
बहुत यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। 13 मिनट्स लेफ्ट, इस 13 मिनट्स में आप जितना कर पाएंगे आपका रैंक उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब कितना किए हम देख लेते हैं। 15 प्लस, सोच ले 15 प्लस रीजनिंग कर लिए, 15 हो गया, 15 प्लस यहाँ पे 13 प्लस जीके हो गया, 28 हो गया, 28 प्लस 18, 18 मैथ, 28 प्लस 18 कितना हो रहा है, 46 हो गया, 46 प्लस 22 कितना आ रहा है, 46 प्लस 22 आ गया आपका 68, राइट। 68 प्लस आपका क्वेश्चन हो गया, 68 प्लस आप क्वेश्चन कर लिए, 13 मिनट्स अभी भी बाकी है आपके पास, 68 प्लस क्वेश्चन कर ली। यहाँ पे जो 13 मिनट्स लेफ्ट है, यहाँ पे जो 13 मिनट्स बाकी है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा आपका रीजनिंग स्ट्रांग है या मैथ स्ट्रांग है। ठीक है, और एक बात, आप जो इतने आप जो 47 मिनट्स आप एग्जाम हॉल में दिए, उस 47 मिनट्स में आपको पता चल गया है रीजनिंग कैसा आया है और मैथ पेपर कैसा आया है। तो अगर आप सबसे बेस्ट आप ही जानते हैं कि आपका पेपर में रीजनिंग अच्छा इजी आया है या मैथ इजी आया है, और आप कौन सा वाला ज़्यादा कंफर्टेबल में रीजनिंग और मैथ में, आप कौन सा सेक्शन से आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे, ये इस लास्ट 13 मिनट्स में। ठीक है, इस लास्ट 13 मिनट्स में आप खुद अच्छा जानते हैं कि रीजनिंग अच्छा करेंगे या मैथ अच्छा करेंगे, तो आपका चॉइस है वो। तो आई होप 13 मिनट्स में आप लास्ट 13 मिनट्स में आप 8 क्वेश्चन कर लेंगे, 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन कर लेंगे, 8 प्लस 8 क्वेश्चन आप कर लेंगे, वो रीजनिंग से भी हो सकता है, मैथ से भी हो सकता है, दोनों में से हो सकता है। तो आप आई होप 8 प्लस क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो 68 प्लस 8 प्लस कितना होता है, 76, तो आपका अटेम्प्ट हो गया 76 प्लस, अटेम्प्ट 76 प्लस, और आई होप कि ये आप एक्यूरेसी के साथ किए हैं, तुक्का नहीं मारे हैं, ठीक है, गेस वर्क नहीं किए हैं। तो 76 प्लस स्कोर मतलब 152 आपका स्कोर आ रहा है, 152, ठीक है, ये रॉ स्कोर है आपका, रॉ स्कोर, और ये आप 76 जो बोला हूँ मैं, ये 76 आपका एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट चिप में मैं बोला हूँ। ठीक है, अगर ये इजी होगा तो आप खुद ही देखेंगे ये 76 प्लस आपका शायद 82 83 प्लस हो जाएगा, अगर ये आपका पेपर इजी आया। ठीक है, और थोड़ा और डिफिकल्ट आया तो ये आपका 72 भी हो सकता है, 70 72, ऐसा भी हो सकता है। तो वो मैंने पहले ही बोल दिया कि वो क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम मॉडरेट शिप में हम सोच लिए 76 प्लस आपका अटेम्प्ट हुआ और आपका स्कोर 150 से 152 ऐसा आ रहा है, तो ये वाला रॉ स्कोर है। अगर आपका पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली 15 प्लस होगा। ठीक है, 15 प्लस इंक्रीज होगा, तो 15 प्लस अगर इंक्रीज हुआ तो आपका यहाँ पे स्कोर आ गया कितना, 165 प्लस आपका आराम से स्कोर आ गया। अगर डिफिकल्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आया तो आपका स्कोर अगर 152 आया और उसके बाद आपका 15-16 नंबर इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, लास्ट ईयर के ट्रेंड के ट्रेंड देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ, तो 15-16 प्लस अगर इंक्रीज हुआ तो आपका स्कोर डेफिनेटली 165 प्लस हो जाएगा। 165 प्लस इज ए वेरी गुड स्कोर इन CHSL। अगर हम देखें कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कैसा रहा, पेपर कैसा था, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार भी CHSL 2021 में भी CHSL 2020 जैसा ही पेपर आएगा, SSC डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है और वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो कट ऑफ भी आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ भी आपका 140 से 145 ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्वेश्चन लेवल एक ही रहेगा, पिछला ईयर की तरह ही रहेगा। तो उस हिसाब से आपका स्कोर अगर 165-167 नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ गया तो आप कितना, आप कट ऑफ से 20 प्लस का लीड लेके चल रहे हैं, 20 प्लस का लीड ईयर वन में बहुत है, अच्छा है। ठीक है, और इसके बाद आप ईयर टू में 60 लाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 60-65 लाइए ऐसे राइटिंग में, और प्रेसी राइटिंग जो रहता है ऐसे लेटर, उसमें 100+ मार्क्स में 60+ लाइए तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि इस बार आपका 165 स्कोर ऐसे ही आ जाएगा, 150 से 152 आपका रॉ स्कोर, उसके बाद नॉर्मलाइज में इंक्रीज होकर 165 प्लस आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, और ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। आई होप इसमें आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत ही हाई। तो यही था मेरा स्ट्रेटेजी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रेटेजी था। मैंने 164.5 रॉ स्कोर किया था, 164.5 रॉ स्कोर किया था, उसके बाद मेरा प्लस 18 का इंक्रीज हुआ नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि मेरा शिप मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो 182 मेरा अल्टीमेट नॉर्मलाइज स्कोर हुआ, मैंने पहले ही बोला था। तो ये था मेरा स्ट्रेटेजी, मैंने ऐसे पेपर अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो ये आप सोच लो कि आपको करना है या नहीं करना है, मैंने अपना स्ट्रेटेजी बता दिया। आई होप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप फॉलो कीजिए, वरना नहीं कीजिए आपका मर्जी। तो यही था मेरा स्ट्रेटेजी।
तो ठीक है, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। फॉर एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं और कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है प्रिपेयर विद अर्नब बोल के, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में ही आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे मैं सब लिंक देता हूँ। मेरा जो लेक्चर सीरीज है, मैंने लेक्चर भी बहुत अपलोड किया है प्रीवियस ईयर्स का, CHSL का, वो सब वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।